वेलकम टू माय चैनल एग्जाम शिक्षा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम शिक्षा। अभी क्या है, जल्द ही आज नोटिफिकेशन आ चुकी है किसकी, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी प्री एग्जाम टेस्ट का आ चुका है फॉर्म। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा क्या था, मैंने बताया नहीं था आप लोग को, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ आज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये जो जो है टॉपिक, इसको मैं धीरे धीरे कराऊंगा, ठीक है, आगे आने वाले लेक्चरों में। तो देखते हैं अभी इसमें क्या है। पहले देखिए क्या है, ये यूपी ट्रिपल एससी का आज आ चुका है। ठीक है, आज नोटिफिकेशन आ चुका है। लिंक मैं आपको कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, या आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ देख लीजिएगा। हाँ, और कैसे फॉर्म भरना है, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में पूछ लीजिएगा। देखिए अब क्या है, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कराने वाली है। ये क्यों करा रही है पहले समझ लेते हैं, क्यों ये यूपीएस ट्रिपल एससी इसलिए करा रही है, जैसे बच्चे, सब बच्चे ये फॉर्म भरेंगे, ठीक है, ये फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जो जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसके बाद जो भर्तियाँ आएंगी यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्विस कमीशन में, तो आप जो जो पास कर गया है वही एलिजिबल होगा इसके लिए, ठीक है, वो नहीं होंगे जो फेल हो जाएंगे इसमें, ठीक। तो ये इसका मोटिव है, क्या है कि जो भीड़ इकट्ठा होती है उसको कम करने के लिए है, ठीक है। चलिए अब क्या है, एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रही है, 25/05, कब, 25/05/21 स्टार्ट हो चुकी है आज, और ख़त्म कब होगी, 21/06 को, ठीक है, ख़त्म कब होगी, 21/06, ओके। डेट क्या है, 21/06/2021, ठीक है, कब, 21 जून। अब चलिए आगे देखते हैं, एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 18 साल मिनिमम, मतलब 18 साल के होने चाहिए या उससे ज़्यादा, कम नहीं होंगे, कम होंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है, और कितना, मैक्सिमम 40 इयर्स तक एज होनी चाहिए लिमिट। अब एग्जामिनेशन का नाम प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशन हाई स्कूल और टेंथ, हाई स्कूल पास होना चाहिए, टेंथ पास होना चाहिए, और इक्वलेंट होता है वो भी पास होना चाहिए, मतलब एक या तो हाई स्कूल पास हो, ठीक, वही चीज़ है, मतलब यह है कि आपको हाई स्कूल बस पास होना है, बाकी आपकी कोई भी डिग्री हो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको हाई स्कूल पास होना है, मिनिमम क्राइटेरिया है ये। अब कुछ इसका देखते हैं, फ़ीस क्या है, 185 है किसकी, जनरल और ओबीसी की, ठीक है, फ़ीस है जनरल और ओबीसी की 185, और एससी की 25 है। अब इसका जो हम देखते हैं ना, क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, क्या सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं फटाफट, ठीक। चलिए अब क्या है, इंडियन हिस्ट्री, हमारा इतिहास जो है ना, इंडियन हिस्ट्री कहा है, वर्ल्ड की नहीं कहा है, इंडियन हिस्ट्री कहा है, इंडियन हिस्ट्री पूछेगा। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय इतिहास, अब उसके बाद क्या है ये, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 5 नंबर का आएगा इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब ये जो बोला है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारी हुई थी ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे ना हमारे, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, वो हमारा पूछेगा आधुनिक का, ठीक है, आधुनिक का। अब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कितने, 5 मार्क्स का है, क्या, भूगोल हमारा, जो 5 मार्क्स का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है डरने की, एनसीईआरटी में स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द ही आप लोग के लिए, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कंप्लीट करूँ, आपका 11th 12th का जो अर्थव्यवस्था ना, बस वही पढ़ाना है, और कुछ ज़्यादा आपको सोचने की दिक्कत नहीं है। अगर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा कि बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ, हमारी इकोनॉमी कब खुली, ठीक है, और फिर ये भी पूछ सकता है, प्लानिंग कमीशन जो हमारे पहला दूसरा प्लानिंग कमीशन थे, ठीक है, जो हमारे बनते आए थे, ठीक, उसके बारे में पूछ सकता है, ये पूछ सकता है जीडीपी क्या है, ये तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान से पूछ सकता है, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि किसी स्कीम जो निकालती है ना, हमारी सरकार स्कीम निकालती है, उसके अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब एडजस्टमेंट, कितना पैसा उसमें लगा है, ऐसी चीज़ें, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना, 5 5 5, ये सब अब तक 5 ही हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, जनरल साइंस, जनरल साइंस जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा लेवल इतना अच्छा है कि अगर उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जल्द ही, केमिस्ट्री के मैं वीडियो में सारे बना रहा हूँ, आपको जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्री अर्थमेटिक, इसकी एलिमेंट्री अर्थमेटिक, एलिमेंट्री मतलब दसवीं क्लास तक आपको एलिमेंट्री अर्थमेटिक पूछेगा, क्या है, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है। अब जनरल हिंदी 5 मार्क्स का है ना, 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स समझ लीजिए, टाइम एंड वर्क, ठीक है, कार्य और, ठीक है, समय, इस सबसे पूछ सकता है, टाइम एंड स्पीड से पूछ सकता है। जनरल हिंदी आप लोग समझ सकते हैं किससे पूछेगा। फिर जनरल इंग्लिश, अब इसमें इंग्लिश भी पूछेगा, आप लोग
देखिएगा, ठीक है, इसमें इंग्लिश भी पूछेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, ठीक है। लॉजिक एंड रीजनिंग, इसका भी मैं आपको पार्ट कंप्लीट करा दूंगा, लॉजिक एंड रीजनिंग पूछेगा इसमें 5 मार्क्स का ये भी। फिर करंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब आप एक काम करिएगा, जो करंट अफेयर पढ़ेंगे ना वो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड लगभग पढ़िएगा, और थोड़ा सा बाहर जाइएगा, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश का ही देखिएगा और थोड़ा सा बाहर जाने की ज़रूरत है, बस ज़्यादा नहीं। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस भी 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस मतलब सबसे ऊंचा क्या, सबसे नीचा क्या, कौन सबसे गहराई, सबसे लंबी नदी, ये सब, सबसे पहले कौन गया, ये सब पूछता है, पहले चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। अब हिंदी गद्यन और व्याकरण, अभी इसमें 2 पार्ट हो गए, एक जनरल हिंदी और जनरल गद्यन और व्याकरण। व्याकरण तो आप लोग समझ रहे होंगे ग्रामर है, गद्यन मतलब गद्यांश आपको देगा 10 मार्क्स का, ठीक है, वो तो समझने ही वाली बात है कि 10 मार्क्स का देना ही चाहिए गद्यांश और व्याकरण, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं यूपी SSC PET का फॉर्म आ चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने में आपको एक जगह एक चीज़ और देखना है, ये इसको एक बार मिटा देता हूँ। फॉर्म भरने में आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, आप लोग को क्या करना है, फोटो जब आप पूरा कर लेंगे, फ़ोटो तो आप लगा देंगे, लेकिन एक जगह आपको क्या करना है, फ़ोटो में अपना नाम साइन सिग्नेचर, फ़ोटो तो आप कर देंगे, सिग्नेचर जहाँ अपलोड करेंगे ना वहाँ अपना, या तो सुशील लिख लो, ठीक, सुशील यादव, ठीक, हिंदी में नाम लिखना है, और आप साइन किस में जो मारते हैं, रेगुलर जो साइन मारते हैं वो मार दीजिएगा, ठीक है, जैसे ही मार दिया मैंने ख़त्म, ठीक। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके फॉर्म में ज़रूर पूछा गया है, क्या आपको एक हिंदी में नाम लिखना है नीचे और ऊपर अपना साइन मारना है, चाहे वो इंग्लिश में रहे चाहे वो हिंदी में रहे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, मैं ये इसके लेक्चर ज़रूर लाऊंगा आप लोग के लिए, केमिस्ट्री का भी चल रहा है, ठीक है, थोड़ी सी बीच में दिक्कत आ गई थी उसके चलते मैं नहीं डाल पा रहा था अपना वीडियो, बहुत दिक्कतें थोड़ी सी अभी चल रही थी कोरोना में, तो अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, अब हम ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम हर चीज़ स्टार्ट करेंगे। वीडियो अपने सारे दोस्त तक पहुँचाइए जहाँ तक फैला सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।